अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या आपके नंबर को भी व्हाट्सअप ने बैन कर दिया है? व्हाट्सअप नंबर को बैन क्यों करता है वो मैं आपको बता दूं। व्हाट्सअप आपके नंबर को बैन उस वक्त करता है जब आप वायलेशन करते हैं, व्हाट्सअप के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं, लोग आपके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, व्हाट्सअप को रिपोर्ट देते हैं। जब 10 से 12 लोग आपके नंबर पे रिपोर्ट करते हैं तो व्हाट्सअप आपके नंबर को बैन कर देता है। तो इसका सलूशन क्या है, इसको कैसे हल किया जाता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? अगर आपका नंबर भी बैन है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बैन नंबर को अनबैन कर सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। तो फ्रेंड, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को लास्ट को। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको वो नंबर दिखा देता हूँ जो कि व्हाट्सअप ने मेरे नंबर को बैन कर दिया। तो यहाँ पर वो नंबर मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या स्क्रीन शो कर रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये बोल रहा है इस बैन From using WhatsApp contact support help। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है। सबसे पहले हमने इसकी स्क्रीन शॉट लेनी है, स्क्रीन शॉट ले लेते हैं हम। सबसे पहले तो इसकी एक स्क्रीन शॉट लेना है आपको, इस चीज़ का स्क्रीन शॉट लेना है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको फिर सपोर्ट पे क्लिक करना है। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस के निशान में क्लिक करके आपको वो पिक्चर यहाँ पे ऐड कर देना है जो कि आपने स्क्रीनशॉट किया है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे वो पिक्चर लगाने के बाद आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो बातें लिखनी है जो आपके साथ हुए। यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 सेकंड। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको किसी पर क्लिक नहीं करना है। सबसे नीचे यहाँ ग्रीन पट्टी पर क्लिक करना है। ग्रीन पट्टी पे क्लिक करके ये आपको ईमेल पे ले जाएगा। तो यहाँ से आपको जीमेल डायरेक्ट करना है व्हाट्सअप टीम को। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी फाइलें आ जाएंगी, पूरा फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ। तो आपको सिंपली यहाँ से ऊपर निशान, आपको एरो का निशान आ रहा है, यहाँ से सिंपली सेंड कर देना है। उस सेंड करने के कुछ देर के बाद या एक दिन या 1 से 2 घंटे के अंदर आपका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ से तो हमने मेल कर दिया, पर हम जीमेल पे जाके देखते हैं वो मेल जो है हमने जो किया है वो सेंड हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले ये देख लेना आपको वो मेल सेंड हो चुका है या नहीं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मेल पे आके सेंड पे आना है आपको भी, साइड पे क्लिक करके मेल पे आना है। यहाँ पे नीचे सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए, ये यानी कि सेंड हो चुका है। ये तो हो गया एक तरीका। अब जो मैं दूसरा तरीका आपको बताऊँगा व्हाट्सअप अनबैन करने के लिए, आपको इसको भी चेक करना है। ये तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको आ जाना है सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट। व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक पेज खुलेगा, सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेंजर सपोर्ट पर यहाँ कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, नीचे यहाँ इस फॉर्म को फिल करना है, यानी कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो ऊपर पाकिस्तान सिलेक्ट कर, यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो कि आपका बैन हो चुका है। और नीचे आपको कोई भी ईमेल लिख देना है जिससे आपसे रब्ता किया जाए। यहाँ पे मैं अपना मेल लिख देता हूँ। नीचे कन्फर्म करना है, वो ईमेल कन्फर्म कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड है, मेरे पास तो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड पे क्लिक। यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, अपने बारे में बताना है आपके साथ क्या हुआ। तो इसको भी मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको एक बटन नज़र आएगा नेक्स्ट का, आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ये जो दरख्वास्त सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे सेंड, इस ऑप्शन को आपने छेड़ना नहीं है, सेंड क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, आपको भी इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप योर क्वेश्चन हैज़ बीन सेंड, यानी कि आपसे रब्ता किया जाएगा। इसको सेंड करने के बाद 15 से 20 मिनट या
दो से तीन मिनट के अंदर आपको एक मेल आ जाएगा। फ्रेंड याद रहे, व्हाट्सएप हर नंबर को अनबैन नहीं करता है। अगर आपने ज़्यादा वायलेशन किए, अगर आपने ज़्यादा खिलाफ वर्जी किए व्हाट्सएप की, आपने बहुत से लोगों को तंग किया, उसने आपको अगर ज़्यादा रिपोर्ट किया तो व्हाट्सएप आपके नंबर को अनबैन नहीं करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप की तरफ से हमें मेल आ चुका है। इसमें व्हाट्सएप ने लिखा है कि हम आपके नंबर को अनबैन नहीं कर सकते क्योंकि आपके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी कंप्लेन, काफ़ी सारे लोगों ने आपको रिपोर्ट किया है, तो आपने काफ़ी वायलेशन किए हैं व्हाट्सएप के ख़िलाफ़ वर्जी किए, तो आपका नंबर जो है वो अनबैन नहीं किया जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं अपने नंबर को, अगर आपका नंबर ब्लॉक है तो इस नंबर ने, तो ये मेरे दोस्त का नंबर है, इसने दिया था मुझे अनबैन करने के लिए, तो इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को तंग किया होगा, काफ़ी ज़्यादा वायलेशन किए, तो इसलिए व्हाट्सएप इसको अनबैन नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, कुछ महीने के बाद कर देगा। आप इसे चेक कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा वायलेशन नहीं किए तो आपका नंबर अनबैन हो जाएगा 2 से 3 मिनटों के अंदर। अगर आपने, याद रहे, आपने अगर वायलेशन ज़्यादा नहीं किए, आपके ख़िलाफ़ लोगों ने रिपोर्ट नहीं दिए व्हाट्सएप को, तो आपका नंबर अनबैन हो जाएगा, वो भी चंद मिनटों में। तो फ्रेंड अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।